हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे गूगल क्रोम के एक एक्सटेंशन के बारे में, टर्न ऑफ द लाइट, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम क्रोम खोल लेते हैं। जैसे कि अभी मैं ये यूट्यूब पे एक वीडियो चला रहा था, और जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे बस इसी वीडियो पर फोकस करना है और ये बाकी जो इस तरफ नीचे वगैरह सब आते हैं उन सब ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग करने लग जाते हैं। तो इसको हाइड करने का एक तरीका गया एक एक्सटेंशन गूगल क्रोम में, जो कि आप एक्सटेंशन पे अभी मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको वेब स्टोर पे चले जाना है। उसके बाद जो पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा क्रोम वेब स्टोर, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको सर्च करना है टर्न ऑफ द लाइट। एंटर कर देना है। उसके बाद ये आपके सामने पहला वाला जो एक्सटेंशन आएगा टर्न ऑफ द लाइट्स फॉर यूट्यूब का, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, अब ये ऐड हो गया है। और आपके सामने कुछ इस तरह का इसका फीचर्स सब बताने के लिए एक पेज खुल जाएगा। मैं भी हटा देता हूँ। ये जो दूसरा टैब खुलेगा ये भी उसी के बारे में सब कुछ बता रहा है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ अभी। और चलिए अभी आपको वापस YouTube में आपको दिखाता हूँ खोल के। अगर मुझे ये सबको हटाना है, ये सब पे मुझे ध्यान नहीं देना है, बस इसी वीडियो पे ही देना है। तो फिर उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये आइकन आ गया है टर्न ऑफ द लाइट्स का, इस पर मैं एक बार ही क्लिक करूँगा, ये सब बाकी के सारे जो है सो डिम हो देख सकते हैं। उसके बाद बस ये वीडियो ही चलेगी। अगर आप ये फिर भी ज़्यादा कुछ दिख रहा है, मतलब ये वीडियो सब दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं इसे और डार्क कर दिया जाए, तो आप इसको राइट क्लिक करना है आइकन पे, फिर ये ऑप्शंस, फिर आपके सामने इसका सारा सेटिंग आ जाएगा टर्न ऑफ द लाइट एक्सटेंशन का। आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इसका बाकी यहाँ से जितने भी सेटिंग्स हैं वो सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आपको ओपेसिटी का मिल जाएगा ऑप्शन, जिसे आप 80% है, मैं इसे देखिए यहाँ से आप ऊपर दिख भी रहा है किस तरह से दिखेगा, मैं इसे 97 पे कर दिया हूँ। फिर देखिए मैं YouTube पे जाके दिखाता हूँ आपको, आप कहीं भी इसे साइड में क्लिक करेंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। टर्न ऑफ हो गया, फिर इसे मैं टर्न ऑन करता हूँ। देखिए अभी ज़्यादा डार्क हो गया तो ये अब बढ़िया है, क्योंकि जब भी आपका ध्यान केवल एक जगह फोकस करने का हो तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इसके और भी कई सारे सेटिंग्स हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। ये लेयर कौन सा आपको रखना है, ये यहाँ से आप कलर इसका चूज कर सकते हैं। देखिए मैं अभी येलो कर देता हूँ, अब येलो कलर का आएगा, मैंने कर दिया ऑन, देखिए येलो कलर का गया है इसका बैकग्राउंड पूरा। तो यहाँ से आप बहुत सारे सेटिंग्स के साथ खेल सकते हैं, अपना जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आपको बना लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका ये आइकन का ये यहाँ पे आइकन का जो डिज़ाइन बदल जाए, उसके लिए भी एक फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा बल्ब वाला ऑप्शन, ये जो भी इसको बल्ब बोलते हैं, यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके एडवांस ऑप्शंस पे सबसे नीचे आपको मिल जाएगा ये बल्ब्स का सेटिंग, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ये बदल जाएगा। देखिए मैं अभी दिवाली पे क्लिक करता हूँ, ये कलर चेंज हुआ है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और भी कई सारे सेटिंग्स हैं जैसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं।